जानवर का डर भी लगा सा तावड़ी सी कुटिया खोल दे अरे खा जाएंगे हमरा जानवर नूनी बेरा इनकी माया हो रही इनका मन मय हो रहा है और रास्ता भूल कुटी पे आगे गया दुकान पर जाकर दुकानदार तने बोले भाई साबण दे देना आनकी वो साबण है दुकानदार तो चला गया कोई मेरे के है बैठा था उस तक कह गया बस दो मिनट ने घर आके उसने न्यू बेरा नहीं साबण कौन सी देनी है उसने बस दूसरी साबण दे दी कदी बाल खत्म करने वाली सरदार ने गांव के गोरे ट्रक डाट रखा था साबण लेके जो हुड़ में पड़िया गोता मारिया और साबण लाके फिर गोता मारिया ने वे फूल से तरह जोड़ पर बस ओलम हो गए बाहर निकलिया दुकान पर गया बाजा बाजा बतन गलत कर आयो दुकानदार उसके मुंह कान देखे मैंने के मांगे तने के दे दिया बोले भाई क्या हो गया बोले मैंने साबण मांगी थी कौन सी तने दे दी कौन सी पहला माया था जब तो बड़े बड़े लटूर थे डाडी रपा छे के मन ही ने बोला भाई मन जिस ते साबण दी थी वो मान जे कोने तो एक भाई एक बूढ़ा छोरे तो कह लगे ने बोला छोरे हां बाबू ने बोला भाई सब केम बदल गया ने बाबू के बदल गया ने बोला जब मैं तेरे मामा जाया करता तेरी मान लेने जब तेरी नानी मेरी जुआरी क्रिया करती टीका काढ़िया करती चावल लाया करती फिर चावल बगाया करती मेरे सिर पर के 90% चावल बाला मल जाया करती 90% चावल मेरे सिर में रह जाया करते 10% नीचे पड़ जाया करते निवल्याईब क्या मतलब तेरी नानी के आंध का मेला वह चावल बगाओ जब 10% शर्म रहे हैं 90% नीचे पड़ जाए निवल्या बे चावल को नहीं रह रहे न्यू कब है क्यों कर मेरे बाल उड़ गए निवल्या बाबू चावला का कोई दोष नहीं तू इनकी बार छाद बांध कर जाइए तमा से राजे सी तो 90% रहते होंगे छाद लुवा दे तो ने सो के सो जिस समय
सम्मान किया, 100-100 रुपए से और दोनों भाइयों का आशीर्वाद देते। बड़े भाई विजय जी का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। भाई टेम टेम की बात हो सारी, समय समय होता है, वो समय अपना आप करा देता है भाई काम। हाँ हवा भी उड़ा दे, टेंट भी उड़ जाए, तेरी सास हम सासों की में होया कौन है, ये मालिक की लीला। वो बस भरी खचा खच, और बस में अगला जबरद आया, एक बुढ़िया चढ़ ली, वो पांचवी खिड़की मत चढ़ी थी। बुढ़िया ने देखा जगह तो सही ना, साथी चा और वो जवान जवान बालक बैठे उसमें। अरे बेटा थोड़ा सा उठिए, बुढ़िया लोग आए सो आगे चलता ही आगे न होली बेचारी। फिर अगले सीट जाके बोली बेटा पासला तो ईसाई ने खत से, तू सियाणा बेटा दिख से, बेटा थोड़ी जगह दे दे मैं भी बैठ जाएंगी, बुढ़ी लोग आई सो लंबा जाना से। उसने भी कह दिया ताई आगे, एक ड्राइवर की नजर पड़ गई। ड्राइवर ने सोचा ताई तो काट दी भाई बाईपास, ड्राइवर ने दया आगी नुले ताई एक काम कर लेना। बोली हाँ बेटा, ला सारे नखद बैठे हैं, तू अड़सी आ जाए, बोनट पर जगह खाली से। ये बेचारी बुढ़िया ने तो जगह सी दी, वह बोनट पर आगे बैठ गई। थोड़ी दूर पर साली अगले अड्डे पर एक मैडम चढ़ गई, और वह मैडम चढ़ी पास लीते, और पहली पेड़ी में चढ़ते एक छोरा खड़ा होया, ना मैडम जी उड़सी आ जाओ। फिर दूसरा खड़ा हो गया, मैडम जी ओड़े नहीं, यो ईसाई है, मेरा ली पा जाओ। सारे सीट देना तैयार हो गए, बुढ़िया की नजर पड़ी, मैडम चढ़ते ही बैठी। बुढ़िया की नजर पड़ी, नोली बेटी बैठ ले कोई एक दिन, फिर आना तन भी बोनट पर पड़ेगा। तो समय समय का रोड़ा होता है, जाना तोड़े पड़े सब ने दूसरी कली में। जो जो श्याम हो दिया वह है उस सीन का जिक्र कर रहा हूं, जो कुटिया का गप्पा मन मन के खड़े थे ना, जो जो अंधेरा होता आवे नुगले, एक तो आंखें तक देखना भी बंद हो गया, अंधेरा सा हो गया सर। कुटिया ने खोलते के चन लागे, टूट गया
रस्ता भूल कुटी आए देखा सर एक का नाम नरेश एक का नाम सुरेश वो नरेश न्यू मान गया बस सुरेश का भी चोखा जकर है न्यू देखा है तेरे तो चात्र कितना एक दिन वो नरेश सुरेश के घर न गया सुरेश था नहीं उसका छोरा नवला जी आइए अंकल जी नवला भाई मेरा नाम नरेश है अरे मैं फलाने काम तो आया हूं नवला जी बहुत बढ़िया आओ बैठो नवला भाई तेरा बाबू है नवला जी अंकल जी मेरा बाबू तो जा रहा है शहर में आपके मकाम हो मन बता दो चाय पानी पियो बैठो नवला नहीं बा बैठन का टाइम नहीं एक चीज ले आओ तेरे बाबू खातर नवला बताओ एक डब्बा ले रहा डब्बे में एक अखबार अखबार में एक पेज लपेट रखा और उस पेज के ऊपर अंगूरा है गुच्छे छाप रखे दो पेन से ने बोला के ले आए हो कि तेरे बाबू खातर अंगूर ले आया उसने वो डब्बा उठाया खाली सा दिखा खोलिया खोल के वो अखबार हटाया फिर पेज देखा पेज पर दो अंगूरा है गुच्छे मंड रहे ने बोला जी बहुत बढ़िया चला गया उसका बाबू आया सुरेश ने बोला बाबू आप खातर एक तोहफा दे के गया है ने बोला कौन बोला नरेश बोले हाँ भाई बड़ा शाना मानस है वो क्या तोहफा लिया ने बोला इस डब्बे में अंगूर है उन्हें वो डब्बा उठाया खाली हाला क्या उसमें वो पेज देखा पेज के ऊपर दो अंगूर है गुच्छे मंड रहे ने बोला भाई बड़ा शाना मानस फिर तुमने केम करया नहीं ने बोला मन बढ़िया हो भगत करी के करी मन भी उस तरह कह अंकल जी जाते इस वक्त आप खाली हाथ मत जाओ मन भी न्यू कर दिया ये ले दो आम दे दिए घर नजा खाली छो मा गया वो सुरे सुरे है थप्पड़ मारा छोरे गए मेरे बाबू मारे क्यों बोले मारू मैं न्यूज हूं जब तने फ्री में देने दे छोटे छोटे नहीं देते बाबा जी गहने वस्त्र बकरिया मांग गया तो रोक है मर जाए Oh,
होगी। पुलिस हंड मारी मारी वो जिसका चोरी हुई वो भी ताब गिर रहा ना सावे तावड़े पकड़ो चोर ने। एक पुलिस ने दिमाग लगाया न्यू तो बेरा नहीं पट्टा किसने करी। फिर एक नामी था कि मेरे बात हो जान दी उसका नाम पांडा। नबले एक काम करो भाई मारे तो बस की बात ना से वो काम वाले इकट्ठे होके ना साहब चोर ना तो हम पकड़ लिया मां नुले ले आओ भाई। ये थानेदार नया नया आया था उसने उसका बेरा भी ना था इतना वो ले आकर शाम ही खड़ा कर दिया था। मेरा वर्गा है बहुत आसा भी चेहरा छोटा सा नुले साहब इसने करी सा चोरी यो सा असली जड़। वो थानेदार ने देखा बैठ क्यों पागल बना रहे हो यो चोरी करे नहीं सकता ऊंच उठा नाम धरो इसका दम। नुले कहा साहब इसका नाम आपका आया करे पक्की इसने करी होगी। उसका व्यों देख की थानेदार बार बार धमका है अरे झूठ बोलो यो चोरी कर ही नहीं सकता। वो चोर का छो बन गया तेरी तो बेइज्जती होन लगी सब ने। बोले साहब बात सुनी तने लगता मैं छोटा सा मैं जिसका घर ना पड़ो उसमें पाठ लागू हूं। तो भाई समय समय की बात हो से यार तो तीसरी कली में गौर करियो सजनो बाहर न खड़े हो ब्राह्मण के भेष में दोनों अश्विनी कुमार और एक गृहस्थी का फर्ज बताते हैं कि गृहस्थी का कर्म क्यों होना चाहिए किसी वीरबानी हो किसान मर्द हो क्या कहते हैं। पाटा भेज दिया मासे जी ने कहे छोटा भला है और जिसके बड़ू पढ़ लागू फिरिया तो पंडित जी ने कह रखी है जितना छोटा उतना फोटा दुनिया के आगे। वो किसी ने पाटा भेज दिया बूढ़ी का उस पाटा में गढ़ा मने वाए उसने चरा वाए चुंगा वाए और भाई जब वे पाटा लेनी है आए मोल तो लो या जब भी एक बनने बोली बेटा आराम तो ले जाइयो दौड़ा ठीक से ताई जब उसकी रस्सी पकड़ के चले जब भी ने बोली बेटा इन आराम तो ले जाइयो वच्छो हम कतिनु लाल हो लिए सबर में फेर ने बोली चलते वक्त बेटा इन आराम तो ले जाइयो ना ताई तू अपने काल जे ना धीरज दे अगली सीट पर बिठा ले जाए। एक कहावत है रात के 12 बजे के बाद में
सरदार पागल हो जाया करे। चंडीगढ़ में एक सम्मेलन कर दिया सारे सरदार वल्लभ भाई जितने की क्षेत्र में उमरान लाग गए सारे चंडीगढ़ इकट्ठे हो जाइयो भाई के जकर जकर यो सारी दुनिया ने कहे छे 12 बजे के बाद में सरदार पागल हो गया। एक सरदार लेट हो गया एक रिक्शा वाला एक मिला उसकने भाज के रिक्शा में बैठा ने बोला खर्च दे जितनी बताई जा। बोला सरदार जी क्या मैं तावड़ भी होगी क्या कारण भी होगा। बोला महाराज एक सम्मेलन है उसमें न्यू कह रहा की है सरदार 12 बजे के बाद में पागल हो जाया करें उस बारे में को विचार विमर्श। ने बोला फिर यो तो मैं बता दूंगा। ने बोला आप के बताओगे। ने बोला सरदार जी न्यू बताओ टेम के हो गया। बोला 12:03 होगी मारे घर पे 3 प्राणी एक मेरी घरवाली एक मेरा छोरा एक मैं वो रिक्शाला बताओ है न्यू बताइए भाई 12 बजे तो ऊपर का टेम हो गया तो इब न्यू ज्ञान हो जाएगा भाई तेरे कितना दिमाग से थोड़ा और बातें लगा लिया 2-3 गाड़ा मार के घुमा लिया। बोला के टेम हो गया। बोला 10-1 मिनट और ऊपर होगी। बोला न्यू बता मारे घर पर 3 प्राणी एक मेरी घरवाली एक मेरा छोरा तीसरा कौन वो तो टेम हो लिया ना 12 तक ऊपर का। ने बोला भाई मैं के जानू तारे घर पर तीसरा कौन। ने बोला बेकूफ तीसरा मैं। ने बोला ठीक सम्मेलन में पहुंच गया सारे सरदार बाट देखे। ने बोला रुको रुको सम्मेलन करने की कोई जरूरत नहीं मैं बताऊंगा। ने बोला बताओ सुनो असी सुनो भाई। बोले मारे घर पर 3 प्राणी एक मेरी घरवाली एक मेरा छोरा तीसरा कौन सारे डाडी खो रहे कौन सा बताओ। बोले भाई हमने के बेरा तीसरा कौन। ने बोले अरे बेशर्मो तीसरा वो रिक्शा वाला दुनिया दे जी खरकड़ावास से भाई टेंट वाले 1 क्विंटल गेहूं गौ माता की सेवा में मतदान करते भाई ताली बजाओ। मैं भी नहीं सोच रहा था घंटे ढाई होली हमने गांव त्या ने कोई गौ माता की सेवा मतदान भी गाया बड़ा बड़ा धन्यवाद है। क्या लिखा है नंबर 3 पर Thank you.
वो दो दिन पहले हम दोनों भाई जा रहे थे खैरपुरा प्रोग्राम था बाबा का, बड़ा रोटियां कट्टे वहां दोनों भाई बैठ गए हम। राजेश भाई महादीपक भाई भी तो पहले भी शेर थे, आज भी शेर सुन बाबा अच्छी बात से। फिर दो एक मिनट बाद से नुला राजेश भाई महादीपक भाई पहले भी शेर था आज भी शेर सुन महा भाई अच्छी बात से दे। आज के जमाना में सिर्फ कमर है आदमी मानो कुकर भाई तू पहले भी शेर था आज भी शेर से मैं पहले भी शेर था और मैं आज भी शेर सु फर्क कितना हो है फर्क कितना सा बोलिया बैन पक्ष उस शेर पर माँ दुर्गा सवार होगी ना सूदा शेर आखिरी कभी मैं वो ब्राह्मण के भेष में सुनी कुमार उस कुटिया के अंदर बैठी सुकन्या को समझाते हैं कि कदे न्यूट्रल रही हो कि कोई चीज खा लेंगे हमेशा आदमी नहीं सा जो कहा कर चोर के दाढ़ी में तिनका पहले अपनी एक गान वाके बोला हम बहुत बड़ी आदमी सा के कहने लगे लक्ष्मी चंद सियाने मानस गलती मानिए ना सही मांगे राम गुरु के चेले हम बिना गाणिए ना सही जात के ब्राह्मण वेद के ज्ञाता मांग खानिए ना सही कदे तू समझती हो ठग चोर लुटेरे हम चीज थानिए ना सही राज्य राम रात में ठहरा वो ही मार हगर डेरा है और रास्ता ठीक बात से महाराज पद दुर्गा सवार होगी तना बोलू पर भैरू सवार करवा रहा कह गए यो भी माड़ा है होता है भाई एक बार गांव में एक ईसा चुगल खोर था कि ये सगाई होने देने बस स्टैंड पर बैठा रहे कोई भी नहीं दिखे हो सगावट से गल गल जाले एक बार उसका ध्यान उकचुक हो गया कोई सगावट की गाड़ी आई थी वह गांव में पड़ गई वह वापिस आए तब ने थोड़ा हा भयनक सा थोड़ा हा ज्ञान सा होया उसने वो फलाने फलाने कर गए थे ने बोलिया भाई तामना वो छोरा देखा ने बोलिया हाँ देखा
छोरा नौकरी लाग रहा है बढ़िया काम डेट ऑफ बर्थ देखी उसके कागज देखे नु लिया तामने ध्यान नहीं करया पूरा क्यों नबरा उस छोरे का तो जीभ को लिया आपस में बतलाए वो किसी ने बोलता तो वो सुने भी नहीं हमने तो नहीं कोई छोरे के उम्र के हूं ना कागज दे दिया हमने देख लिया छोरा नहीं बोलिया गाकार सगावट का ही साय मन हो से वो नो लिया फिर चल लांगे फिर गए राम रमी श्याम समी करी जो मैं तक गए थे नवल्या जी एक शंका सी रहेगी छोटी सी के छोरे का जीव कौन है न्यू सुरंद माई आर वो बांजी मारनिया भी गए नवल्या कौन है के सह नहीं वो छोरा बुलाया वो छोरे आ बाबू बुलाया जीव से आप चिंता मत करो नवल्या नहीं भाई जब तक नहीं देखा इतना कोई सबर नहीं वो छोरे का बाबू बोले राम भले जीव काट छोरे थोड़ी ही जीव काटी बोले देख सहन है बोले बताए फिर पाओगी तो छोटी पाओगी कौन है जीव वो फिर रुक का मारे छोरे जीव काट छोरे नहीं इतनी जीव काटी बोले यार ये जीव रेसा पक्का वो पांजी मारनिया तक छोरे आ बाबू देखा कौन है बैठा सर पक्का हो गया ने बोला बेशक पक्का हो गया जी बोर्ड कटवा रखी थी कार्यक्रम का